कल तक एक अनोखा सपना था, अबूझ पहेली थी। जीवन के हर मोड़ पर बाधाएं थीं, हर मोड़ पर गहन अंधेरा था। आशा की एक किरण फूटी और बहुत कुछ बदल गया। आज ये नई दुनिया में विचरण कर रहे हैं, जीवन के अनछुए पहलू को महसूस कर रहे हैं, ये निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, नई चेतना का अंबार लिए साक्षरता की राह पर। यह कहानी नहीं, वास्तविकता है, इंदौर के साक्षरता अभियान की। हालांकि इसकी शुरुआत 1991 में हुई, लेकिन इस अल्प अवधि में इसने तमाम वो सफलताएं अर्जित की जिसकी आशा और आकांक्षा लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान में सबसे पहले जिला साक्षरता समिति का गठन किया गया और तब जागृति लाने के लिए कई स्तरों पर हलचल पैदा हुई। इससे लोगों में साक्षर होने के लिए उत्साह बढ़ा। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में लगभग 4000 किलोमीटर में फैले इंदौर जिले की आबादी मात्र 20 लाख के आसपास है। स्थापत्य शैली की धरोहर की विरासत वाले इंदौर में साक्षरता अभियान के पहले चरण में ही लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, एकजुटता दिखाई। इस एकजुटता का सुफल मिलना ही था। परिणाम थे, आज जिले में 82% आबादी साक्षर है। इसके साथ ही इसे इस प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला होने का भी गौरव प्राप्त है। साक्षरता का दूसरा चरण अर्थात उत्तर साक्षरता कार्यक्रम शुरू हुआ मार्च 1995 में। इस चरण में भी स्थानीय लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। एक अनुमान के अनुसार लगभग 50,000 निरक्षरों को साक्षरता की परिधि में लाया गया। जब हम इनकी जागरूकता को देखते हैं तो इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। इस बीच इनमें पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य रक्षा की चेतना विकसित हुई, साथ ही सामाजिक बुराइयों को दूर करने की साझा समझ विकसित हुई। साक्षरता का मतलब मात्र अक्षर ज्ञान भर नहीं रहा, इसीलिए इंदौर में सतत शिक्षा कार्यक्रम की जरूरत महसूस हुई। लेकिन सतत शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने में कुछ व्यवधान पड़ा। हमारे जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का जो जो पद्धति थी, जो प्रणाली थी, एक तो उसमें ही कहीं ये आशंका विद्यमान है कि इन तीनों स्तरों के बीच में जो है जो कनेक्शंस हैं और जो कड़ियां हैं वो एकदम एक तात्कालिक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं। हमेशा दोनों स्तरों में के बीच में जो है टाइम गैप रहा। इस व्यवधान के पीछे जो भी कारण रहे हो, पर इससे उत्साह की आंच मंद पड़ गई। एक तरह से शिक्षण का वातावरण बिगड़ गया। इस गतिरोध के कारण शैक्षणिक कार्यकर्ताओं में बिखराव के चिन्ह दिखने लगे। संपूर्ण साक्षरता के बाद उत्तर साक्षरता जब हमारे यहाँ संचालित प्रारंभ हुई, उस दौरान भी एक गैप आया था, लगभग साल भर का गैप आया था। उस दौरान भी यही चीज़ आई थी कि जो नौ साक्षर हुए थे पुनः वो निरक्षरता की ओर बढ़ने लगे थे। फिर उत्तर साक्षरता आने के बाद हमको काफ़ी कठिनाइयाँ हुई, प्रयास करना पड़े, उन्हें पुनः एक बार पढ़ने की भावना उनमें जागृत करके उसे फिर से चलाना पड़ा। तो हमारा उत्तर साक्षरता का जो कार्यक्रम था वो एक साल ज़्यादा चला। और यही कि यही स्थिति आज फिर हमारे सामने आई कि उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के खत्म होने के बाद सतत शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई, उस दौरान एक साल का गैप आ गया। उससे आज जो हमारी परियोजना मई 1999 में प्रारंभ हुई होना थी वो जो जनवरी 2000 में प्रारंभ हुई है। तो ये गैप आने से ये समस्याएं तो आई हैं। परेशानियों को दूर करने और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने में दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादे की जरूरत थी। जिला साक्षरता समिति ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया। जिला, ब्लॉक और केंद्र स्तर पर सलाहकार समिति का गठन किया गया। साक्षरता कर्मियों को नए सिरे से जोड़ने का काम शुरू हुआ। इन्हें फिर से प्रशिक्षित किया गया। इन पर
शैक्षणिक वातावरण के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। इंदौर जिले को सतत शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनसंख्या के आधार पर 92 नोडल और 826 सतत शिक्षा केंद्र स्वीकृत हुए। हमने उसे 5 अनुभाग में विभक्त करके आवंटित किया है, इंदौर शहर, इंदौर ग्रामीण, महू, देपालपुर और सांवेर। ये 5 भाग हमने हमारे सुविधा की दृष्टि से विभाजित किए हैं और उसमें इंदौर शहर को 40 नोडल और 356 सतत शिक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। फिर इंदौर ग्रामीण में 13 नोडल और 110 सतत शिक्षा केंद्र हमने आवंटित किए हैं। उसी प्रकार से देपालपुर के लिए 92 नोडल केंद्रों के अंतर्गत हमने 13 नोडल केंद्र और 116 सतत शिक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। महू में चूँकि अर्बन और आदिवासी बेल्ट होने के कारण वहाँ पर हमने 15 नोडल केंद्र और 143 सतत शिक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। साक्षरता अभियान में ग्राम समुदायों और पंचायतों की भूमिका को भी नकारा नहीं गया। साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ने के पश्चात ग्राम पंचायतें अधिक सुचारू हो सकें और पटवारी के खातों पर पूरी निगाह रखी जाने लगी, जिससे किसी का अहित न हो। पंचायतों को हमने जोड़ा है इस सतत शिक्षा केंद्रों से। इसमें जनप्रतिनिधियों से हमने आग्रह किया है कि वे सतत शिक्षा केंद्रों में उपस्थित रहें, लोगों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमारा विश्वास है कि जब तक जन समुदाय को किसी भी प्रोग्राम से जोड़ा नहीं जाएगा उस प्रोग्राम की सफलता संदिग्ध रहती है। और ये हमने अभी प्रारंभ किया, कुछ समय में इसके अच्छे परिणाम आ जाएंगे। साक्षरता अभियान का ये कदम रोमांचकारी स्थिति में पहुंच गया। मेहनत मशक्कत करने वाले खेत मजदूरों, किसानों, छोटी पूंजी वाले व्यवसायियों, रिक्शा चलाने वालों, ठेले वालों, इन सब के बीच से होती हुई साक्षरता की महक चारों दिशाओं में फैलने लगी। इसके अनुगूंज इंदौर जिले के खेत खलिहानों को पार करती, गांवों कस्बों से होती, इंदौर की गलियों सड़कों से गुजरती, जेल की ऊंची दीवारों को भेदती, जेल के अंदर पहुंच गई। सजा याफ्ता कैदी भी इस अनुगूंज से अछूते नहीं रहे और जब साक्षरता के शब्द मंत्र की तरह जेल की सलाखों से टकराए तो इसका स्वागत कैदियों ने अपनी अंतरात्मा से किया। अब जेल में इनकी दुनिया बाहर की दुनिया से ज्यादा भिन्न नहीं रही है। ये तमाम तरह से अपने हुनर का इस्तेमाल करना सीख गए हैं। जिंदगी की बेहतरी का सपना जेल में सजा काटते नहीं बल्कि हुनर सीखते सिखाते, पढ़ते पढ़ाते और समाज में अपनी खोई प्रतिष्ठा को पाने की ललक लिए बिता रहे हैं। साथ ही आत्मनिर्भरता की ओर दृढ़ कदम बढ़ा रहे हैं। इन्हें इस साक्षरता कार्यक्रम ने इस योग्य बना दिया है कि अगर 10 वर्ष बाद भी ये यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आत्मनिर्भर रह सकेंगे तथा मजबूत जिंदगी की स्थापना कर सकेंगे। हमें ऐसा पक्का भरोसा है, पूरा विश्वास है कि पढ़ने के बाद कोई अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि अज्ञानतावश, निरक्षरतावश जो है उनमें ज्ञान के कारण जो उन्होंने अपराध किया, जेल में आने के बाद वो रियलाइज करते हैं, अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं कि जो है अज्ञानता के कारण उनसे अपराध हुआ है। पर जब उनको जब यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है, साक्षरता दिया जा रहा है, मतलब अच्छे साहित्य पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं, तो उनको अपने आप महसूस होता है और पश्चाताप होता है। उसके बाद जो भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध नहीं करेंगे इस बात के लिए महसूस करते हैं। और इसके कारण जो है करीब 400 बंदी तो पेरोल गए हैं 10 दिन के और अपने आप वापस भी आ जाते हैं बगैर पुलिस गार्ड के अभाव में। इस संघर्ष की कामयाबी में सब कुछ आसान ही नहीं था, कई टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर इस अभियान को गुजरना पड़ा। लेकिन मुंह अंधेरे कलेवा कर गठरी बांध कर घर से निकल जाने वाले लोग भी हैं यहाँ। खासकर समस्या उन लोगों को जोड़ने की थी जो दिन भर मेहनत की चक्की में गेहूं की तरह पिसने के बाद सांझ को थके हारे लौटते हैं। उनके लिए पुस्तकों पर छपी इबारत का कितना महत्व रह जाता है, ये प्रश्न कम महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि सतत शिक्षा कार्यक्रम में रोज कमाओ रोज खाओ सरीखे लोगों के लिए भविष्य की क्या रूपरेखा है। ऐसी हालत में पढ़ने लिखने को समय की बर्बादी मानने वालों की कमी नहीं है। हम भी पढ़ने लिखने जाएंगे तो फिर खाएंगे क्या, तो हमको धंधा भी चाहिए उसके साथ में और पढ़ना लिखना भी हमको चाहिए। साक्षरता कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि जिसमें
आपके जो आर्थिक हितों की चिंता की जाती है, यदि उनके भीतर किसी भी नवसाक्षर के दिमाग में इस तरह की धारणा है तो हम लोग उस धारणा को तोड़ना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि साक्षरता जो है इकोनॉमिकली भी प्रोडक्टिव है, आर्थिक रूप से भी काफ़ी उत्पादक है और उनकी मदद करती है। तो इसलिए जो है उनकी लिए जो है स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम जो हैं वो हम लोग इसके साथ जोड़ रहे हैं कि किसी न किसी तरह के कौशल या दक्षता का विकास उनमें किया जाए, और उसके साथ साथ ये भी कोशिश है कि उनको एक आर्थिक इकाई के रूप में काम करने के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनाया जा सके। तभी तो साक्षरता को जरूरत से जोड़कर नव जागरण का काम किया जा रहा है, यानी शिक्षा बनाम रोजगार। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। अब इन केंद्रों में रोजमर्रा के काम आने वाले उद्यम, मसलन सिलाई, बुनाई, कढ़ाई तो सिखाए ही जा रहे हैं, इसके अलावा डिटर्जेंट पाउडर और साबुन बनाने जैसे औद्योगिक कार्य भी सिखाए जा रहे हैं, ताकि शिक्षा के साथ समृद्धि भी मिल सके। पहले मेरी आर्थिक परिस्थिति मतलब इतनी है, वो नहीं है कि भाई हम इतने सक्षम नहीं कि अच्छे स्तर से रह सके, मिडिल क्लास के लोग। फिर मैंने सोचा कि मेरे पति की आमदनी में मेरे घर का खर्च आज तो पूरा हो जाता है, लेकिन कल बच्चे बड़े होंगे तो पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि अपन यहाँ पे कोई ट्रेनिंग ले जाए, तो जैसे यहाँ सर्फ बनाने की ट्रेनिंग दी आज मैडम ने, ऐसी मतलब कई तरह की ट्रेनिंग नील बनाने की दी, ऐसी ट्रेनिंग है जी। तो इससे मैंने घर में जाके तो विचार किया कि इसको यदि अपन बना के और पैकिंग करके बेचते तो ये आसपास के लोगों को भी इससे मतलब फायदा होगा, वो भी अपने साथ काम में 2-4-10 महिलाएं जुड़ सकती हैं, उनको भी थोड़ी इनकम होगी और मुझे भी आर्थिक मतलब मदद मिलेगी। तो ये लघु उद्योग टाइप में मैं चलाना चाहती हूँ इसको। सबसे पहले ये खोजा था कि कौन से क्षेत्र में कौन सा काम करने से लोगों की काम करने का मौका मिलेगा, और जब काम मिलेगा तो निश्चित उनकी इनकम बढ़ेगी। 128 से ऊपर हमारी एक्टिविटीज निकली थी प्रत्येक अलग अलग खंडों में। जैसे हमारे यहाँ 5 क्षेत्र है विकास खंडों में बटा हुआ, इंदौर महू है, सामेर है, देपालपुर है, इंदौर रूरल है और इंदौर है। इन 5 समूह में जब सर्वे हुआ था तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे। जैसे आप सोचिए, आप ताजुब करेंगे, कुछ जगह ताड़ के पेड़ हैं, खोड़ियाँ निकलते हैं, तो खोड़े से वह झाड़ू बनती है, बहुत बनती है, ठीक है। तो वो झाड़ू बनती है तो झाड़ू तो बनाता है, तो एक झाड़ू की कीमत तो उसको मुश्किल से 5 या 7 रुपये मिलेगी, लेकिन अगर उसी खोड़े से कोई डेकोरेटिव चीज़ बना दी जाए तो उससे उसकी आमदनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने एक प्रयोग अभी कुछ समय पूर्व किया था सरदारपुर में, बाँस है, बाँस से केवल टोकनी और ये बनाते हैं लोग। जब उनको डिज़ाइन बना करके दी और उन्हें फ्लावर पार्ट बड़े बड़े बनाए, तो वही चीज़ जो 30 रुपये में बिकती थी वही चीज़ 200 रुपये में बिकती है। युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। चमड़े के अनेक तरह के काम करने के नए सिरे से प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। अब ये केवल जूते मरम्मत करने तक ही नहीं, बल्कि जूते चप्पल बनाने से लेकर चमड़े के सुंदर वस्त्र और फैशनेबल पर्स बनाने का कार्य भी करने लगे हैं। जन शिक्षण संस्थान का इनके इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये उत्पादित सामग्री के विक्रय के लिए भी योगदान देता है। नव साक्षरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि आज के प्रतियोगी युग में उनके उत्पादों को उचित मूल्य मिल सके। कोशिश हम लोगों की यह है कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई एंड मार्केटिंग एजेंसी जो है, जो DRDA का एक अंग है, DSMA, उसको पुनः सक्रिय किया जाए और उसके माध्यम से जो है कोशिश की जाए कि इसका जो है विपणन हो सके। इसके अलावा ये लोग स्वयं अपनी तरफ से इनिशिएट करें और अलग अलग क्षेत्रों में जो देखें, और पूरे हम लोग कोशिश ये है कि लोगों की अपने इनिशिएटिव का सहारा लेकर, जो सरकारी जो एजेंसी हैं उनका सहारा लेकर एक पूरी इसकी रणनीति विकसित की जाए कि जो भी उत्पाद ये अपने इन केंद्रों में तैयार करेंगे उसका जो है सही सही विपणन कर सकें। सतत शिक्षा कार्यक्रम को रोजगार उन्मुख बनाने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि ये नीरस न बने। उत्साह को बरकरार रखने के लिए इसमें मनोरंजन की समुचित व्यवस्था भी है। दैनिक उपयोग की मनोरंजक पुस्तकों के अलावा कैरम बोर्ड जैसी कुछ खेल सामग्री भी उपलब्ध है। इनकी लाइब्रेरी में पाठ्य सामग्री के अलावा राज्य संदर्भ केंद्र द्वारा छापी गई पुस्तकें भी हैं, जो पाठकों की रुचियों और स्तर को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।
इन पुस्तकों को छापने से पहले इन पर बेहतर शोध कार्य किए गए हैं और शिक्षा से जुड़े विद्वानों से सलाह भी ली गई है। ये पुस्तकें प्रेरकों के लिए भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी नव साक्षरों के लिए। इसके साथ ही जिज्ञासा बरकरार रखने के लिए प्रेरक मुख्य भूमिका निभाते हैं। लाइब्रेरी से पुस्तकें ले जाने के बाद जब उन्हें पढ़कर नव साक्षर वापस लाते हैं तो उन पुस्तकों के बारे में बातचीत की जाती है, उन पर सवाल जवाब होते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि उन पुस्तकों का कितना सदुपयोग किया गया। हम लोग अभी तक लाइब्रेरी का मतलब एक समझते रहे हैं कि लाइब्रेरी एक स्थान पर रहती है तो वहाँ से लोग किताबें ले जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको चलित लाइब्रेरी बना रखा है। हम लोग अपनी साइकिल पर अपने साथ लेकर किताबें घूमते हैं, लोगों में उसमें पढ़ने की आदत डालते हैं, उन लोगों को घर घर हम किताबें पहुँचा रहे हैं कि वो जिससे पढ़े, एक बार जिसके यहाँ किताब पहुँच गई वो अगली बार व्यक्ति हमारे सेंटर पर स्वयं किताबें लेने आता है। बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों के लिए समतुल्यता कार्यक्रम का प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रभाषा प्रचारण सभा के माध्यम से पांचवी कक्षा की परीक्षा दिलाई जाती है और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात इन्हें मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता है, अर्थात औपचारिक शिक्षा में ये शामिल हो जाते हैं। समतुल्य में का मतलब ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जो आज फॉर्मल सिस्टम में जितने लोग हमारे पढ़ रहे हैं और एक नॉन फॉर्मल सिस्टम पढ़ रहे, तो नॉन फॉर्मल में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करके इस स्तर पर वो आ गए हैं शिक्षा के स्तर पे कि यदि हम उनको फॉर्मल सिस्टम में डालना चाहते हैं तो जैसे पांचवी हमारे यहाँ इनिशियल स्टेज पर पांचवी की परीक्षाएं होती हैं जो बोर्ड से होती है, अगर हम पांचवी बिठाएं तो वही बच्चा फिर छठवी में फॉर्मल की यानी जो औपचारिक है उसके साथ वो जा सकती हैं। ये हमारी व्यवस्थाएं उसमें चल रही है। पढ़ना लिखना सीख गए नव साक्षरों की उत्सुकता को बरकरार रखने के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत जन सूचना माध्यम की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। आधुनिक युग में सबसे बेहतर और सस्ता जन माध्यम अखबार ही है। अखबारों का प्रचलन इन केंद्रों पर है और लोग भी इसमें रुचि रखते हैं। रोजमर्रा की समस्याओं के प्रति चेतना के साथ दूरदराज के क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए केंद्रों पर पोस्टकार्ड उपलब्ध हैं, ताकि ये अपनी शिकायतों और सुझावों से प्रशासन को अवगत करा सके और उन पर कार्रवाई भी हो सके। गांव से संबंधित कोई भी शिकायतें या समस्या हैं तो उस पोस्ट कार्ड के माध्यम से हमको सूचित कर सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कि उसका जल्द से जल्द निराकरण कर सकें, जिससे इसमें इनका विश्वास जागृत होगा इन केंद्रों में। ये मुख्य रूप से तो पेयजल और बिजली की समस्याएं रहती हैं और हम कोशिश करेंगे, इसमें ये विचार किया जा रहा है कि हर 15 दिवस या 1 महीने में बैठक रखी जाए और इसकी समीक्षा की जाए, संबंधित विभागों को 1 हफ्ते में निराकरण के निर्देश देंगे, उसके बाद समीक्षा का भी प्रावधान रखा गया है। साक्षरता ने इनमें आत्मबल कूट कूट कर भर दिया है। ये अपने हक की लड़ाई को पुरकश आवाज दे सकते हैं। यहाँ की महिलाएं संगठन की क्षमता को पहचान गई हैं। ये जरूरत पड़ने पर अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ सकती हैं। इनके इस संघर्ष के पीछे स्वयं से भी संगठनों की भूमिकाओं को नकारा नहीं जा सकता। पहले हमारे यहाँ की भाइयां पढ़ना कुछ समझती नहीं थी, अब पढ़ना लिखना भी सीखती हैं और शराबबंदी भी हमने करवाई है और हम थोड़ा थोड़ी बचत करने भी सीखती थी। पहले हमारी भाइयों में कुछ भी इतना ज्ञान नहीं था, जबकि अब हम सारी बातें सब समझती हैं और आगे आती हैं हर पढ़ाई में लिखाई में। और कोई कोई भाइयां बिल्कुल नहीं समझती थी, उनको भी अब थोड़ा थोड़ा आता है। पहले परिवार नियोजन के बारे में नहीं समझती थी, हम महिला मंडल मिलकर सारी बातें समझाते हैं और परिवार नियोजन करवाते हैं। उसके बाद में हम 18 साल से कम लड़की की शादी नहीं करने देते। हम सब महिलाओं ने मिलकर अपने पुरुषों को साथ लेकर एक रास्ता थोड़ा बनाया। फिर हमने सरपंच से मिलकर हमारे गांव का रास्ता भी बनाया। हमारे गांव में अब कोई भी एक आसानी से आ जा सकता है। हमारे गांव के पहले सारे ही बच्चे अनपढ़ ही थे, वहीं आपको पढ़ा लिखा नहीं मिलता। सारे बच्चे खुले इधर उधर घूमते रहते थे जंगल में। हमने हमारी संस्था वाले बहन जी से कहा कि बहन जी हमारे गांव में एक स्कूल भी होना। वही हमारे बहन जी ने हमारे गांव में एक स्कूल बनाया, उसी स्कूल में हमारे यहाँ के सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ और चेतना भी इन केंद्रों की प्राथमिकता में शामिल हो गई है। इसीलिए तो इन सतत शिक्षा केंद्रों में प्राथमिक उपचार बॉक्स रखने के साथ प्रेरकों को रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से प्रशिक्षित किया गया है। अनुभवी डॉक्टरों द्वारा
रोगों के सामान्य लक्षण, पहचान, कारण, निवारण तथा बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। समय समय पर जांच शिविर का भी आयोजन होता है। सतत शिक्षा केंद्र कुछ विशेष कैंप का भी आयोजन करता है, जिसमें आंखों के इलाज और ऑपरेशन के अलावा कम कीमत पर चश्मा भी दिया जाता है। कुछ दवाओं के मुफ्त वितरण की भी व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों में पारिवारिक सलाह प्रकोष्ठ की स्थापना का अपना विशेष महत्व है। आपसी झगड़े की सुलह सफाई इन प्रकोष्ठों के माध्यम से तो होती ही है, सामाजिक सौहार्द की प्रतीक भी है ये प्रकोष्ठ। हम दोनों पक्षों का, हम आपस पुलिस विभाग द्वारा नोटिस रहते हैं, वो हम लोग नोटिस इशू करके एक पक्ष आता है, दूसरे पक्ष को पुलिस वाले द्वारा बुलवा लेते हैं हम लोग, और फिर दोनों पक्षों को बिठा के समझौता करवाते हैं। वो देख लेते हैं हम कि इनको विषय किस बात पे झगड़ा, किस बात पे, क्या पति शराब पी के झगड़ा करता है या दहेज के कारण झगड़ा करता है या कोई उसका कोई दूसरी औरत से अवैध संबंध है, इस मारे झगड़ा होता है। तो हम लोग देख के, विषय देख के फिर उसको उन लोगों को समझाइश देते हैं। सतत शिक्षा केंद्र शिक्षा और मनोरंजन का समन्वय है। ये है यहाँ की महिलाओं के उत्साह का परिणाम। लोक संस्कृति से जुड़े इनके नाच गाने हमें अपनी संस्कृति की विशालता का परिचय तो देते ही हैं। मनोरंजन का शिक्षा में कैसे उपयोग किया जा सकता है, ये भी शिक्षण समाज से जुड़े व्यक्तियों को बखूबी याद दिलाते हैं। जीवन के आर्थिक पहलू को राजनीतिक और सामाजिक चेतना के अंतर्गत ही माना जा सकता है। इसी चेतना का परिणाम है बचत की प्रवृत्ति। सतत शिक्षा केंद्रों द्वारा अपनी मदद आप करें की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता केंद्र का गठन किया गया है। इसे बचत समूह के रूप में भी जाना जाता है। इसे एक लघु बैंक की मान्यता प्राप्त है, जिसकी स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक से भी मिली हुई है। जिलावार बचत समूह को आर्थिक समृद्धि के रूप में बेहतर इकाई के रूप में खड़ा करने की योजना है। कोशिश हम लोगों की यह है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जाए, स्व सहायता समूहों को, और हम लोगों ने जिले भर में करीब करीब इस तरह के 1271 समूह बनाए हैं। इसमें वो समूह 452 के करीब वो शामिल हैं जो कि अपने सतत साक्षरता के जो वॉलंटियर्स हैं उनके माध्यम से बने हैं, और इसके अलावा जो विभिन्न योजनाएं हैं या विभिन्न जो हमारे एनजीओस हैं उन्होंने भी जो अपने स्वयं सहायता समूह बनाए हैं उनको भी इसमें एक किया है। इन्हें इसी समय मध्य प्रदेश में पढ़ना बढ़ना आंदोलन चल रहा है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो पढ़ना बढ़ना समितियाँ हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में कन्वर्ट किया जाए। हम लोग उससे बिल्कुल भिन्न किस्म की स्ट्रेटेजी पर इंदौर में काम कर रहे हैं, जहां हम अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पढ़ना बढ़ना समितियों के रूप में कन्वर्ट करेंगे। महिलाओं के लिए ये बचत समूह वरदान के रूप में आया है और इसका लाभ भी उठा रही हैं ये जीवंत महिलाएं। कईयों ने इस समूह से सुविधाजनक तरीके से कर्ज भी लिया है और उससे खुद व्यवसाय भी शुरू कर लिया है। मैं इस समूह की सदस्य हूँ। मैंने 4000 का लोन अभी 8 महीने पहले लिया था, जिससे मैंने अपना साड़ी का व्यवसाय शुरू किया है। और इस साड़ी के व्यवसाय में मुझे एक बहन थी जिन्होंने मदद किया, और उस लोन से मैंने 25000 का माल था, पर उनको पहली किस्त में मैंने यहाँ से लोन लेकर के 4000 रुपये चुकाई। उसके बाद जैसा हमारा माल बिकता गया वैसे हमने उनको किस्त चुकाई। अब ये हमारा है कि ये साल पूरा होने पर मुझे विश्वास हो गया है कि हमारा, मैंने जो समूह से लोन लेकर के व्यवसाय किया था वो बहुत अच्छा चला है, और अब हम इसको आगे बढ़ाने के लिए अब मैं और इससे भी ज़्यादा लोन, यानी 10000-15000 का लोन लूँगी और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाऊँगी। सतत शिक्षा कार्यक्रमों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कोर ग्रुप का गठन किया गया है। इस कोर ग्रुप की मासिक बैठकें होती हैं, जिनमें केंद्र समन्वयक भाग लेते हैं। इन बैठकों में कार्यक्रम की रणनीति तो बनती ही है, इसमें आगामी बैठकों में उन रणनीतियों की समीक्षा भी होती है। त्रुटियों को दूर करने के उपाय की तलाश के साथ उन्हें दूर भी किया जाता है। व्यापक पैमाने पर चल रहे इस सतत शिक्षा कार्यक्रम के खर्च को अभी सरकारी वहन कर रही है, जिसकी सीमा भी निर्धारित है। अतः भविष्य में इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा बनेगी ये भविष्य ही तय करेगा। इसका नाम ही सतत शिक्षा,
पांच साल तक एक बात है कि तीन साल तक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी, तीन साल बाद हमें राज्य सरकार 50% और केंद्र सरकार देगी, और जब पांच साल पूरे हो जाएंगे तो ये संस्थाएं, ये केंद्र इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अर्थात ये जन भागीदारी से फिर वो केंद्र चलेंगे। तो ये तभी चलेंगे कि जन सचेत हो जाएगा, जन पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा, बेहतर जीवन हो, तो ही तो लोग वो चलाएंगे। तो हमारा लक्ष्य ये है कि ये सतत प्रक्रिया चलती रहे बेहतर जीवन के लिए, ये कभी बंद होने वाली नहीं है। लेकिन जो पाँच साल हमें दिया गया है, उस पाँच साल में हम लोगों को आत्मनिर्भर, आत्म सबल और उन्हें पूरी तरह से अपनी क्षमता पर खड़ा करने की, उनमें कैपेबिलिटी लाने की, कॉम्पिटेंसी लाने की हमारी काम हो जाएगा, जिससे हमें ये कहने में प्रसन्नता होगी कि आज सारा समाज शिक्षित है। अक्षर ही पढ़ा करना, अक्षर ही लिखा करना, हो तेरे पास अंधेरे जो अक्षर को सिखा करना। माना कि राह अपनी अंधेरी है, मलिन है, 12 घड़ी से ज्यादा ये जिंदगी कठिन है। अंधेरे हो पुराने, तुम संकल्प नया करना, अक्षर ही पढ़ा करना, अक्षर ही लिखा करना।